उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच नवाबगंज कस्बे में लाखों रुपए की लागत से बनी जल निगम द्वारा पानी की टंकी 100 पीस बनी हुई है। आए दिन सप्लाई पाइप फटने, मोटर जलने व अव्यवस्था के चलते ग्रामीण जनता को शुद्ध जल पेय उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिससे ग्रामीण काफी आक्रोश में देखने को मिल रहे हैं। कस्बा नवाबगंज में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2 वर्ष पूर्व जल निगम द्वारा 5,000 लीटर क्षमता की पानी की टंकी का निर्माण करवाया गया था। काफी दिनों बाद पानी की सप्लाई शुरू की गई थी, लेकिन आए दिन सप्लाई पाइप फटने व मोटर जलने से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीण ग्राम पंचायत सदस्य अब्दुल लतीफ अंसारी का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं की जा रही है। ग्रामीण इमामुल रहमान, अर्जुन पांडे, शहीद अहमद अंसारी का कहना है कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध न होने के कारण ग्रामीण दूषित पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आए दिन पाइप फटने व मोटर जलने से पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। वहीं इसकी व्यवस्था व देखरेख के लिए किसी प्रशिक्षित कर्मचारी की तैनाती न होने से आए दिन ऐसी अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जल निगम के अपर अभियंता इंद्रजीत को कई बार पत्र लिखकर व फोन के माध्यम से पानी की सप्लाई बाधित होने की जानकारी दी, फिर भी इस संबंध में जल निगम के अपर अभियंता इस तरफ कोई ध्यान न देते हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। क्या समस्या? 15 रोज से लगभग पानी नहीं देता। वहाँ अगर बताओ जाओ तो कहा था कि तुम पैसा जीते है, अब जब पैसा दो हमका तो पानी हम दी। तो आपने कहीं शिकायत किया है? वही से किया, कई मतलब कहा। आप कहाँ रहते हैं? नवाबगंज। आपका नाम क्या है? अब्दुल लतीफ अंसारी, उद्योग मंडल के महामंत्री हैं, व्यापार मंडल के। आपका क्या नाम है? नाम रहमान अंसारी। क्या है आपके गांव की समस्या? हमारे यहाँ समस्या है कि 15 दिन से पानी नहीं आ रहा टंकी में जी। और जब हम लोग पानी के लिए कहते हैं तो कहता है कि यहाँ कोई कारीगर है ही नहीं जी। और हम आपके नौकर नहीं है, हमको पैसा मिलेगा, हम काम करेंगे, तो पानी आएगा, वैसे पानी नहीं आएगा। आप बताइए। अर्जुन पांडे, यहाँ पे 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पे 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। जब पानी के लिए जाओ उसे शिकायत करने के लिए तो कह रहा किसी के बाप के नौकर नहीं, चाहे एडीएम के पास जाओ चाहे डीएम के पास जाओ, जब पैसे देंगे कोई तब यहाँ पे मोटर सही करवा के फिर पानी भेजेंगे। अखंड भारत न्यूज़ के लिए जमील अहमद की रिपोर्ट, बहराइच।